हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग और गाइज, आप सबका स्वागत है यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेके आ चुका है एक और नया एपिसोड डिंकम का। और गाइज आज तुम्हारा भाई आज किस एपिसोड में जो है ना गाइज आलू बेचने वाला है, आलू, ठीक है। तो गाइज अच्छा आलू नहीं गाइज, कांदे बेचने वाला है, कांदे, क्योंकि यहाँ पे जो सारे के सारे कांदे गाइज वो उग चुके हैं और तुम्हारा भाई अभी जो है ना गाइज इनको हार्वेस्ट करने वाला है। बट आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जो भी नए बंदा होंगे चैनल पर बड़ा बड़ा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे से जो है ना गाइज गेमिंग विद डैडी के चैनल का और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का, तो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए मेरे भाई लोग करते हैं आज के इस एपिसोड की शुरुआत बिना किसी देरी के। और यह अंडा गरम गरम जो अंडा है ना इसको भी, अरे वाह तोड़ दिया भाई, तोड़ दिया अंडे को, तोड़ दिया भाई मैंने, गलती से टूट गया यार। चलो कोई ना, तो गाइस ये जो गरम गरम अंडा टूटा है ना, इसे बहुत ज्यादा अंडे अपन लेके आएंगे अभी जो है ना गाइस। कांदे जो है ना गाइस वो अपन यहाँ पे ये वन टाइम है क्या खाली? अबे मेरे को लगा था कॉर्न की तरह गाइस उगते रहेगा गाइस कांदा, बढ़िया। तो भाई वन टाइम है खाली, मतलब एक बार गाइस अगर अपन ने भाई इसको भाई निकाल लिया तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे वापस से इसको ये नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, मतलब ये वापस से उगेगा नहीं यहाँ पे। ये तो स्कैम हो गया ना गाइस फिर हमारे साथ, या फिर उगेगा उस फिर भाई पॉकेट पे क्या लिखा हुआ था कि हर 3 दिन में उगता रहेगा करके, ये पता नहीं गाइस क्या लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे हार्वेस्ट का तो ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, तो अपन इसको भाई हार्वेस्ट कर रहे। रुकना गाइस रुकना, मेरे को पॉकेट देख रहे थे, उस पॉकेट पे लिखा हुआ था कि यहाँ पे ये जो है ना गाइस जो कांदा है वो हर 3 दिन में उगता रहेगा करके। कहाँ पे वो भाई, वो कहाँ पे रखा, कहाँ पे भेज गया मैंने वो कांदे की 3 पोटलियाँ जो बची हुई थी, हाँ ये रही। सो इसके ऊपर क्या इन्फो लिखी हुई थी, पुट अरे यार शिफ्ट टू मूव, अरे स्प्लिट नहीं यार, अच्छा नहीं यार नहीं लिखी। एक काम कर लेता हूँ मैं जो ना गाइस, नहीं वीट भी, लेकिन अपन एक बार निकाल ले तो ख़त्म ना गाइज, वीट भी एक बार निकाल ले तो ख़त्म हो जाती है। गन्ने का कैसे इन्हें देखना पड़ेगा, गन्ना भी शायद अपन एक बार निकाल दे तो खत्म हो जाता है ना गाइस, ऐसा कुछ होएगा देखते। चलो 210 ऑनियन तेरे भाई के पास हो चुके हैं, अभी 210 ऑनियन बेच के देखते तुम्हारे भाई को कितने पैसे मिलते हैं भाई, ठीक है। पहले जो ना गाइस यहाँ पे फटाक से थोड़े से टोकन्स कलेक्ट कर लेते। और गाइस ये देखो कांदा दिखने में कैसा होता है, हाथ में लेके दिखा देता है तुम्हारा भाई, ठीक है। ओके ये देखो गाइस, ये रहा भाई कांदा, मोमोज की तरह लग रहा है भाई, ये कांदा नहीं लग रहा, ये गाइस मेरे को मोमो लग रहा है गाइस, मोमो गाइस, ठीक है। ये देख रहे हो मोमो लग रहा है गाइस। चला जाओ, वैसे 8 बज चुके हैं, जॉन संडे यार, जॉन आज भाई शॉप नहीं ओपन करेगा। सो मैं जो है ना गाइस एक काम कर लेता हूँ, मैं चुपचाप सो ही जाता हूँ गाइस, ठीक है। कल तक जो है ना गाइस हमारा वो जो क्या बोलते किसका था, इरविन का या फिर किसी ऐसे कुछ तो नाम था उस बंदे का, मैं नाम भूल गया, इरविन का घर भी रेडी हो जाएगा और वहाँ पे वो क्या क्या सेल कर रहा है वो भी हमको पता चली जाएगा गाइज, ठीक है। इरविन का घर ऑलमोस्ट रेडी है, मेरा कोई तो मिशन कंप्लीट हो चुका है, यस गाइज, ठीक है। टाउन प्लानर का कंप्लीट हो चुका है, देन यहाँ पे किसने भेजा है मेरे को, तंदूरी ने, ये तंदूरी ने बेसिक ब्लू रखा। अबे तंदूरी मेरे को इतना ज़्यादा सामान कहाँ है भेज रहा है भाई, तंदूरी मेरे से भाई खुश हो गया लग रहा है भाई, वो जो अपना म्यूजियम वाला लौंडा है ना कुछ ज़्यादा ही सामान भेज रहा है अपन को भाई, मेरे को लग रहा है कुछ तो इरादे उसके गलत है। हाँ अंकल जी मेरे को बताइए 10 बजे खुलेगा आपका शॉप और मंडे को बंद होगा, तो आज ही तो मंडे है ना पापा, क्या गुंडा बनेगा तुम, मंडे को बंद होगा पापा, तो आज ही तो मंडे मेरे को देखना था इसके भाई शॉप में क्या उगता है, कैसे देखूंगा। अरे खाना पीना तो दे दे, मुर्गियाँ मर जाएंगी लुंडे, रुको खाना पीना देने दो, और मुर्गियाँ फिर मर भी जाएगी यार मेरी, अंडा तो दे रही है कैसे मुर्गियाँ, या अंडा कलेक्टिंग का कुछ नहीं है क्या ऐसा कुछ जिससे अपन मतलब ऐसा अंडा विंडा कलेक्ट कर सके, खाना पीना खाना है क्या तुमको, नहीं मुर्गियों को तो खाना नहीं, तो मैं सो जाता हूँ, मेरे को मेन देखना है कि हमारा जो इरविन है ना उसके शॉप में क्या मिलता है गाइस, ठीक है। तो अभी तो अपन में मस्त भी कि सो रहा हूँ, एंड अभी आई थिंक वो हेयर स्टाइलर भी आ जाएगी, उसको भी कन्विंस करता हूँ रहने के लिए, उसके बाद सारे के सारे लोग कंप्लीट भाई। अभी ये सैली बची है, बाकी सारे लोग अपने टाउन में शिफ्ट हो चुके, खाली सैली बची हुई है। और अभी जो है ना गाइस रुक जाओ, ए, काली और सफेद मुर्गी ना भाई, आए लेट्स गो हेलो लोडो, अरे ओ सॉरी इसका नाम मैंने कुछ अलग ही लिखा था गाइस, इसका नाम देख रहे हो गाइस क्या रखा है मैंने, देख रहे हो ना हाँ ठीक है। और ये हमारा रोवेन आई थिंक इसका नाम है, ठीक है चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम क्या कर लेते हैं, इनके लिए खाना पीना वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। सैली से जाके बात करते हैं और देखते हैं कि सैली जी है ना
वो यहाँ पे प्लीज सीट नहीं जी, मेरे को बताइए आपका कुछ है क्या, मतलब मिशन शिशन है कुछ ऐसा? गॉड जॉब फॉर मी, सेम क्लोज टू लॉन्ग्स, ओके क्लोथिंग नो प्रॉब्लम, क्लोथ चाहिए तेरे को? रुक जाओ इसको क्लोज चाहिए भाई, ठीक है? क्लोथ तो मेरे पास पड़े हुए, इसको ना भाई मेरी चड्डी दे देता हूँ भाई, ठीक है? ये क्लोथ मैंने बेच तो नहीं डाले ना यार, अच्छा नहीं ये ले, दो टी शर्ट पड़ी हुई है ये बेच देता हूँ इसको, ओके ये लो जी, हाँ जी आई वॉन्टेड टू चैट एंड हियर यू गो, ठीक है श्योर डीड, थैंक यू सो मच, ये ले, ओके लो मजे कर लो, यस 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 यस, अरे थैंक यू नहीं बोलने का, अरे बाबा क्या दे रही है, हैड दे दी भाई मेरे को, ठीक है चलो। सो अभी जो है ना गाइस मैं यहाँ पे सीट पे बैठ जाता हूँ और मेरी हेयर स्टाइल जो है ना गाइस वो वापस से पुरानी वाली कर लेता हूँ गाइस, ठीक है? अबे किस बात का, अबे यार पता नहीं गाइस किस बात के पैसे काटे गए, ठीक है भाई हाँ एजुकेट, अबे सैली से बात बात में कर ले पहले अपना, अच्छा कलर ये रहने दो क्या, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है रेड कलर रहने देता हूँ, ठीक है? वांटेड टू चैट लेट्स टॉक भाई, आई हैवंट कट एनीवन शेयर्स ऑफ एनीथिंग सिंस आई स्टार्टेड विजिटिंग एक्वा, ओके एनीवर्स, ओके ठीक है। सो भाई मेरे को ये बता कि तू रहेगी कि नहीं यार, सैली जो ना गाइस वो हमारे साथ यहाँ पे रहने के लिए रेडी नहीं यार, ठीक है भाई छोड़ दे भाई, रेंदो 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 भाई रेंदो, चलो अपन निकल लेते हैं गाइस, ठीक है अपने हेयर देखो गाइस, हे हाय कूल लग रहे ना गाइस, आ जाओ चलो। तो गाइस अभी रुक जाओ, मुर्गियों को जो है ना गाइस यहाँ पे खाना पीना दे देता हूँ, एंड 10 बजे का इंतजार करना है, 10 बजे जो है ना गाइस इरविन का शॉप ओपन हो जाएगा। सो 10 बजे तक मैं काम कर लेता हूँ ना, 11 बजे वैसे भाई हमारे क्या बोलते ग्रीन हाउस में हमारा ओपन होने वाला है, सो मैं वहां से थोड़े से जो है ना गाइस लेके आ जाऊंगा, आई थिंक वीट से अच्छा मैं ना गन्ने लेके आऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, अभी जाके मैं फटाक से 210 ऑनियन बेचता हूँ, देखता हूँ कितना पैसा मिलता है ना, क्या बोलती पब्लिक, सेल गुड्स 210 ऑनियन कहाँ पे, एक ऑनियन के कितने देगा बता, एक 450, अबे यार कॉर्न के भाई लगभग 300 मिले थे मेरे को, और इसके जो ना गाइस 450 दे रहा है एक ऑनियन के, अगर मैं 200 ऑनियन इसको बेचता हूँ तो कितना होगा, बाप रे मैंने 50,000 गाइस इन्वेस्ट करे थे और मेरे को उसका डबल गाइस यहाँ पे मिला है भाई, खतरनाक गाइस खतरनाक, वो भी बोल देना मेरी भाजी। वैसे अभी मैं शुगर केन जो है ना गाइस वो ट्राई करूंगा, शुगर केन वैसे मेरे को पता नहीं ना यार स्प्रिंग में उगती भी है या नहीं गाइस, ठीक है बट मैं ट्राई जरूर करूंगा गाइस, भाई डबल पैसा मिला तेरे भाई को, हाँ बस टाइम भी गाइस उतना ही ज्यादा गया और मेहनत भी उतनी ही लगी है गाइस, इतना सा पैसा कमाने के लिए मेहनत भी उतनी ही लगी है, वैसे इतने अगर मैं मेहनत ट्रेजर हंटिंग पे डालता ना तो अभी तक भाई तेरा भाई करोड़पति बन जाता, बट क्या करेगा, चलो आ जाओ अभी यहाँ पे 10 बजे तक मेरा ये काम जो ना गाइस खुदाई का वो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे खाली मेरे को जो है ना बीज भाई वो लगा देने हैं, अभी यार मेरा हथियार टूट जाएगा, लेकिन टूट गया और ये हथियार हमको जो ना गाइस ग्रीन हाउस में से मिलता है, बाकी हम जो ना गाइस हथियार को बना नहीं सकते, ठीक है। वैसे क्या कम्प्लीट हुआ है भाई, मेरे कुछ अचीवमेंट जो है ना गाइस वो कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है कहाँ पे ये रहा 100, ओके ठीक है ये रहा 100 और कुछ नहीं भाई, ठीक है 6,000 हो चुके हैं गाइस अपने पास टोटल टोकन्स। मैं एक काम कर लेता हूँ, बैंक अगर ओपन है ना तो मैं फटाफट से जाके ना बैंक में से कुछ अपने कॉइन्स को जो ना गाइस कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है शो मी माय अकाउंट कन्वर्ट, लगभग भाई मेरे को चाहिए 1,000, 1,000 के लिए कितना लगेगा बताऊँ, 10,000 बीस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ठीक है चलो। अरे ये तो भाई बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसीजर है भाई, 500 का एक तो 1,000 का, अरे नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा महंगी प्रोसीजर है, रेंदो 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 ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगी प्रोसीजर है भाई, अपन एक काम कर लेते हम दादी के पास से ना फटाक से लाइसेंस लेके आते हैं, नहीं यार 10 सेकंड में वैसे भी शॉप ओपन होने ही वाला है ना गाइज, तो रुक जाओ भाई अंदर जाके देख के आएंगे कि यहाँ पे जो ना गाइस क्या क्या चीज़ें जो ना गाइस मिलती है, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं और उनको भी जो ना गाइस हमारे उस देख रहे हो गाइस वहाँ पे जो ये छोटू छोटू सा ये बना के रखा है ना हमने घर हमारे मुर्गियों के लिए उसके अंदर डाल देंगे अब। चलो 10 बजने वाले बज गए थे, चलो आ जाओ लेट्स गो, 10 बज गए शॉप ओपन। ओह ये क्या प्लैटिपस, अबे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या है, दो दो मुर्गियाँ, हाँ चाहिए 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 मेरे को ये, हाँ भाई नाम नाम इसका नाम देंगे हम टिया, हाँ टिया नाम सही है, चलो लेट्स गो भाई, अंडे अंडे गरम गरम, अंडे गरम गरम दे रहा भाई, अंडे गरम गरम भाई बेचेगा भाई, ठीक है क्या हुआ
एनिमल आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू, टेक देम। अरे यार ठीक है भाई, ये बोल रहा है पहले इसको नहीं घर पे लेके जा। ठीक है रुक जाओ गाइस। भाई मुर्गी शॉप, भाई फुल मुर्गी शॉप तुम्हारा भाई बनाया गया अभी यहाँ पे। रुको, ये मुर्गी को यहाँ पे रिलीज कर ले। हाँ जी चलो। टिया जी कैसी हो? हाँ क्या हाल चाल? हाँ ले लो लो, पेट कर लेता हूँ इसको। खाना खा लिया आने के बाद तुरंत ही? चलो इसके अंदर खाना डाल देता हूँ। ठीक है चलो फटाफट से अभी चलते हैं। और यहाँ पे जो है ना एक और जो ना मुर्गी का बच्चा खरीद लेते हैं गाइस। ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे एक अजीबो गरीब जो ना शिप मिल रहे, समझ में ना आ रहा है कौन सा हाइब्रिड है। इसका नाम भाई, इसका नाम मिया रखेंगे गाइस। ठीक है मिया, अरे यम आए, हाँ मिया जी। ठीक है चलो गाइस लेट्स गो। अपन कल जो ना और दो मुर्गियां जो ना गाइस वो खरीद सकते हैं भाई। इसकी शॉप में तो काफी ज्यादा अलग अलग चीजें है यार, मजा आ गया गाइस, मजा ही आ गया। वैसे इनके अंडे जो है ना गाइस वो कलेक्ट कर करके बेच के भाई करोड़पति बनेगा तेरा भाई। खा ले खा ले खा ले खा ले, यहाँ से खाना खा ले, जल्दी का जल्दी का। हाँ डालने के लिए बैठा है ना तू, टेंशन क्यों ले रहा बाबा। चार टोटल मुर्गियां तुम्हारे भाई के पास होने वाली है गाइस। ठीक है चार नहीं भाई, भर भर के होंगी मुर्गियां, तुम टेंशन न को लेना। ये क्या है? मिल्किंग पॉकेट। मिल्क किसका निकालेगा वो? ये मिल्क देती है क्या भाई? ये शिप है? ये कौन से अंकल से शिप लग रही है तेरे को? ये इरविन, बचपन में भाई खोपड़ी पे ऐसा उल्टा गिरा था क्या तू? ये कौन से अंकल से शिप लग रही है भाई? ठीक है चलो यार, ठीक है भाई। ये फीडर है, वॉमिट विसल ये बताने, और शीर्स भी है भाई जिससे भी मैं उनका वूल निकाल सकता हूँ। ठीक है काफी बढ़िया। बट इनके लिए मेरे को घर बनाना पड़ेगा ना गाइस, इस शिप के लिए गाइस मेरे को घर बनाना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए ना गाइस हम लोग ना क्या करेंगे बताया क्या यार, 11 बज गया ना, रुक जाओ पहले फार्मिंग करते, फार्म का काम कंप्लीट करते, उसके बाद शिप बिप के लिए ना नया घर बनाएंगे। वो बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए जो ना गाइस पहले फार्मिंग का काम कंप्लीट कर लेते हैं। शॉप इज क्लोज, व्हाई? अबे यार ये बातें शादे कर रही है वहाँ पे, देखो देख रहे हो? अच्छा आगे 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 आगे, बात नहीं कर रही थी, बाहर कुछ घूम रही थी शायद। ठीक है सो मेरे को बताना, पोटैटो जो है ड्यूरिंग स्प्रिंग ग्रो दे, अच्छा तीन ही पोटैटो मिलेंगे ऐसा बोल रहा था भाई। ठीक है एंड ऑनियन जो है वो कितने में, सीड कितने में मिलती है? दे आर 540 में एक सीड मिलती है, और अपन को इसका ट्रिपल मिल जाता है गाइस। ठीक है सो ऑनियन हमने गाइस यहाँ पे उगा ली है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पोटैटो उगा लो। पोटैटो के लिए भाई 10 दिन लगते हैं, और ऑनियंस के लिए कितने दिन लगेंगे मेरे को बताइए? ऑनियन के लिए 7 दिन लगेंगे, ओके ठीक है, मतलब पोटैटो के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। और ये ग्रीन बीन्स का क्या सीन है? समर एंड स्प्रिंग दे ग्रो ओवर 10 डेज, दे प्रोड्यूस 3 ग्रीन बीन्स, दे कंटिन्यू टू प्रोड्यूस 3 ग्रीन बीन्स एवरी 5 डेज। ओ दिस विल नीड प्लांट स्टेक, ओके सो बीन्स ले लूँ क्या भाई? काफ़ी ज़्यादा महंगी मिल रही है लेकिन भाई, और मेरे को 75 चाहिए होगी गाइस। ये बीन्स जो है ना स्प्रिंग में भी उगेगी और समर में भी उग जाएगी, तो हमारे लिए जो ना गाइस काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा भाई। ठीक है भाई, लेकिन भाई पैसा देख रहे हो कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, 95,000 खाली सीड्स पे गया गाइस, खाली सीड पे 95,000, मजाक कर रहे हो क्या ब्रो? भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही जो ना गाइस महंगे सीड्स पर मिले अपन को भाई। ठीक है रुक जाओ, ओके और कुछ अचीवमेंट कंप्लीट नहीं हुआ? 95,000 की सीड खरीदी हमने भाई, लगभग 1 लाख की सीड खरीदी है, मजाक कर रहे हो क्या गाइस? लेकिन गाइस इससे जो ना गाइस कंटिन्यूस अपन को जो ना गाइस मिलती रहेंगी, क्या बोलते हैं भाई यार, वेजिटेबल्स मिलती रहेगी गाइस हमको कंटिन्यूस गाइस। ठीक है एक बार लगाने के बाद भाई, एक बार फसल गाइस हार्वेस्ट करो उसके बाद भाई खत्म, ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है कंटिन्यूस मिलती रहेगी, सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी मेरे को, इसलिए मैंने बाय कर ली गाइस ये, ओके। और अपने मुर्गी के बच्चे भाई यहाँ पे भाई रेडी हो चुके हैं, रुक जाओ अभी पहले जो ना मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। ठीक है ग्रीन बीन्स है गाइस, ठीक है ग्रीन बीन्स जो ना गाइस वो लगा देता हूँ। बाय लेट्स गो भाई, ये ऐसा स्टिक लगा देती है यार। ठीक है सो ये क्रॉस कर पाना जो ना गाइस काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे अपन क्रॉस कहाँ से करेंगे अगर यहाँ पे अटक गए तो? अच्छा ऊपर से जंप भी मार के क्रॉस करना पड़ेगा भाई, ये तो तुड़क जा वाला काम है थोड़ा सा। ठीक है इनको क्रॉस करने के लिए ऐसा ऊपर से ऐसा जंप मार के जाना पड़ेगा, ओके चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं प्लांट कर लेता हूँ। पानी डालना ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है गाइस अभी। अच्छा ऊपर से चढ़ के जा सकता हूँ ना गाइस, कैसी ने मैं ऊपर से चल के चला जाऊंगा गाइस, फेंस के ऊपर से चल के चला जाऊंगा। लेट्स गो, मेरे को लग रहा है मेरे को थोड़ी सी और सीड जो ना गाइस वो चाहिए होगी, इधर से ऐसे चल के चला जाऊंगा। मेरे को पता नहीं गाइस यहाँ पे पानी डालने के लिए जो आएगा ना वो पानी कैसे डालेगा गाइस, ठीक है ये मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है। ऐसे चल के चले जाएंगे, कितने बजे 26 बची हुए ना, पिछली बार 70 टोटल सीड्स लगी थी, तो मेरे हिसाब से इस बार भी उतनी सीड लगनी चाहिए। किन के 70 सीड लेके आया होगा इसमें,
कितनी बची है? अच्छा नहीं नहीं नहीं, हो गया हो गया, काम 25, एक ही सीट बची है खाली, ठीक है एक ही सीट बची है, बाकी सब कुछ जो है ना गाइज अपन ने यहाँ पे लगा दी है गाइज। चलो गाइज अभी यहाँ पे पानी डालने का काम कर लेना है मेरे को, और उसके बाद हम जाके जो है ना गाइज थोड़ा सा दादी जी से जो है ना एक दो लाइसेंस, थोड़े महंगे वाले लाइसेंस गाइज, ठीक है वो खरीद के लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे टोकन जो है ना गाइज वो आ चुके हैं, अभी इनसे जो ना गाइस देखते हैं कि हमको कितना ज़्यादा फायदा होता है इनको बेच के। ओके अरे यार पानी खत्म गाइस, इनको पानी डालना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यार। चलो आ जाओ लेट्स गो, पानी डाल देता हूँ फटाफट से गाइस। सारी की सारी जो बीन्स की गाइस यहाँ पे सीड लगा रखी है ना, प्लांट मैंने लगा रखे हैं, उन सारे प्लांट्स को पानी डाल देता हूँ मैं। ओ नहीं यार एक सीड मैंने यहाँ पे लगाई नहीं है, उस रीज़न से एक सीड बच गई गाइस। वो देखना उधर, रुको 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 रुको, आप भी दिखाता है देखो, एग्जैक्ट 70, लेट्स गो ब्रो, भी बोल देना मेरे भाई। चला आ जाओ अभी पानी डाल देता हूँ मैं, भाई पानी डालना गाइस काफ़ी ज़्यादा बोरी काम है यार। कोई आ जाओ रे मेरे टाउन में पानी डालने के लिए, तुमको 150 रुपया देगा मैं सैलरी। आ जाओ फटाक से एक्वा टाउन में आ जाओ पानी डालने के लिए खाली। आ स्टैमिना खत्म यार, रुको थोड़ा सा यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन भाई एप्पल है वो खा लेता हूँ, एंड वापस से पानी डालने के काम पे लग जाता हूँ। गाइज पानी डाल के हो चुका है गाइज, अभी अपन चलते फटाफट से, एंड सो जाओ क्या मैं? नहीं नहीं नहीं, दादी जी के पास जाके ना एक लाइसेंस लेके आता हूँ फटाक से, ठीक है थोड़ा महंगा वाला लाइसेंस, और दादी जी के पास तेरा भाई जाएगा एकदम मस्त भी की बाइक लेके ना तेरे भाई की, अरे दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर। चलो आ जाओ दादी जी के पास जाके देख दे कि कौन कौन से नए लाइसेंस जो है ना जो दादी जी के पास अवेलेबल है, और ऐसा लाइसेंस लेता हूँ। ओ एक मिनट रुक जाओ, मेरे को ये वाला जो है ना गाइज यहाँ पे भी कुछ डोनेट करना था ना मटेरियल, शायद ये दादी जी का घर अपग्रेड करने के लिए मटेरियल चाहिए इतना ज़्यादा, बट इतना मटेरियल अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है, तो ये घर तो अपन भाई दादी जी का अपग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है अभी फिलहाल के लिए मैं जो है ना गाइस लाइसेंस देखता हूँ दादी जी के पास कौन कौन से। माइनिंग में क्या मिलेगा मेरे को? आई थिंक आयरन की पिकैक्स मिल जाएगी मेरे को, और कुछ नहीं मिलेगा। लॉगिंग में आयरन की एक्स मिल जाएगी। फिशिंग लाइसेंस में अलाउड टू होल्डर टू सी बुलिस ग्रेड बाय अंडर वाटर, क्या बबल्स ग्रेड बाय अंडर वाटर, अंडर वाटर क्या क्रीचर अनलॉक न्यू फिशिंग रॉड रेसिपी, ठीक है चलो आ जाओ फिशिंग रॉड का ले लेता हूँ भाई, ठीक है ओके ऑल राइट डन। एंड देन लॉगिंग ले लिया, हंटिंग लाइसेंस में चांस टू ड्रॉप अदर यूजफुल आइटम वेन हंट भाई, ठीक है। फार्मिंग, फार्मिंग का क्या है? क्राफ्ट फर्टिलाइजर अनलॉक, अच्छा फर्टिलाइजर क्राफ्ट कर सकता हूँ मैं अभी, ओके दैट स्ट्रेंज नाइस वन गाइज। कंपोज बीन टर्न पूप इन टू स्टर्प इन टू, ओ वाओ नाइस नाइस नाइस, एंड कॉपर हुई, ओके ठीक है ओके, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ निकली। कार्गो लाइसेंस में क्या? अलाउ होल्डर टू एक्सपेंड देयर पॉकेट्स बाय 3, नहीं यार टूल बेल्ट भी नहीं चाहिए। बिल्डिंग लाइसेंस एसेस टू बिल्डिंग लेवल, न्यू बिल्डिंग्स में निकल जाएगी। ये क्या है? कॉमर्स होल्डर विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग आइटम्स, ओ ये कुछ तो खतरनाक चीज़ है गाइज, ये कुछ तो खतरनाक चीज़ है भाई, ठीक है ये वाला लाइसेंस अपग्रेड कर लेता हूँ। इससे हम जो भी सेल करेंगे ना उसमें हमको 15% मोर जो ना कहते थिंक पैसे मिलेंगे शायद, ठीक है विल रिसीव 15% मतलब पैसे ज़्यादा मिलेंगे अपन को अगर जो भी अपन सेलिंग करेंगे उसमें। काफ़ी बढ़िया गाइज, ये लाइसेंस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाले मिलेगा इस दादी जी का जो घर है ना गाइज। एक काम कर लेता हो अगले एपिसोड में ना दादी जी का घर अपग्रेड कर लेते हैं। दादी जी यार मेन है ना यार अपने टाउन की गाइज, भाई एड है अपने टाउन की, इतनी ज़्यादा हमको भाई हेल्प करती रहती है, लाइसेंस विसेंस देती रहती है, तो उनको ऐसे झोपड़े में रखना तो अच्छा नहीं लगता ना गाइज। मैंने खुद के लिए भाई इतना बड़ा सा गाइज एक महल बना लिया और दादी जी को झोपड़े में रख रहा हूँ मैं, ये तो गाइज बहुत ज़्यादा गलत बात है ना। सो अपन अगले एपिसोड में दादी जी का जो घर है ना गाइज उसको अपग्रेड करने का काम करेंगे गाइज, ठीक है दादी जी का घर एकदम मस्त वाला अपग्रेड करेंगे अगले वाले एपिसोड में। अभी फिलहाल के लिए काम कर लेते हैं, आज का डिंकम का एपिसोड ये पे खत्म कर लेते हैं। आज तो हमने एक बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फार्म बना लिया है, बीन्स उसमें प्लांट कर लिए, चार चार मुर्गियाँ गाइज यहाँ पे खरीद ली है, और अभी जो है ना गाइज अगले वाले एपिसोड में मैं जो है ना गाइज और 2 मुर्गियाँ खरीदने वाला हूँ, एंड शिप जो है ना गाइज उसके लिए भी एक मेरे को यहाँ पे कहीं ना कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी यार शिप्स के लिए। मैं भी यहाँ पे बना दूंगा क्या, या फिर ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे बना दूंगा कहीं पे, देखते ही चलो गाइज कहाँ पे बना सकते हैं अपन, ठीक है। फिलहाल के लिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं डायरेक्टली डिंकम के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइज, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय गुड बाय मेरे भाई लोग, मिलते हैं अगले एपिसोड में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right.
We were so young, we were so dumb, we would get